सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी, मोर देन 26,000 ट्रस्टेड फैमिली, काउंसलिंग विद अटमोस्ट ऑनेस्टी, फ्री रजिस्ट्रेशन, नॉमिनल मेंबरशिप फीस, नो कमीशन आफ्टर मैरिज, फ्री रिश्तो मीट विद रिफ्रेशमेंट्स। Rishto.com ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर कैंप 5 के नेताजी चौक पर शिवसेना नेता अरुण आशान द्वारा आयोजित दही हंडी उत्सव में भोला वाघमारे ने रस्सी से खसक कर दही हंडी को तोड़ा, जिसके वीडियो कल से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इस प्रकरण के बाद हेडलाइन पुलिस स्टेशन की तरफ से भोला वाघमारे को गिरफ्तार किया गया और आज न्यायालय में उसे हाजिर किया गया, जहाँ न्यायालय में भोला वाघमारे ने मांग की है कि दही हंडी तोड़ने के लिए आयोजक की तरफ से जो 55,555 रुपये का जो इनाम था वह उसे मिलना चाहिए। आइए जानते हैं भोला वाघमारे का सरकारी वकील इस पूरे मामले में कोर्ट में हुई बहस को लेकर क्या बता रहे हैं। देखिए, कल के प्रकरण में जो दही हंडी उसने फोड़ी अकेले में, जैसे कि हमारी प्रथा है कि पिरामिड लगाकर तोड़ा जाता है, बट वैसा कानून में नहीं है। अब आज उसके ऊपर दारूबंदी एक्ट, महाराष्ट्र दारूबंदी एक्ट 85(1)(a) के तहत उसके ऊपर धारा थी, जिसमें 6 महीने की सज़ा और फाइन था 10,000 रुपये तक। आज कोर्ट ने उसको पर्सनल बॉन्ड के ऊपर छोड़ा है। मेरा कोर्ट के सामने यही युक्तिवाद था, उसने कोई दारू के नशे में मटकी नहीं फोड़ी है, उस ओपन कॉन्ट्रैक्ट था, सबके लिए ओपन था, जो आएगा दही हंडी फोड़ेगा उसको 55,555 रुपये का इनाम मिलेगा, उसी के तहत उसने दही हंडी फोड़ी है। अब उसका कोर्ट में ये कहना था कि 55,555 रुपये के लिए मैं लायबल हूँ, वैसा ही कोर्ट के सामने मैंने बोला आज कि साहब ओपन कॉन्ट्रैक्ट था, दही हंडी तोड़नी थी, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा था कि पिरामिड बना के ही तोड़नी है, तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट था, उसने तोड़ी है दही हंडी। इस बारे में जो आयोजक थे उनके ऊपर मतलब नोटिस भेजने वाले के जो रकम उनको दी जाएगी, अभी तक आरोपी ने मुझे कोर्ट में खड़ा किया था, अगर आगे मेरे पास आरोपी आता है कि उनको नोटिस भेजनी है 55,555 रुपये रिकवर करने के लिए, तो ज़रूर हमारी तरफ से वो नोटिस जाएगा, बिकॉज इट वॉज़ एन ओपन कॉन्ट्रैक्ट और 55,555 रुपये के लिए वो लायबल भी है। तो पुलिस ने जो धारा लगाई है उसके ऊपर वो सही टाइम में नहीं, वो प्राइमा फेसिया वो धारा उसके ऊपर बैठती ही नहीं है, क्योंकि पूरे चार्जशीट में आज पुलिस ने जब उसको हाजिर किया, पुलिस का कहना था कि वो दारू के नशे में है, बट पुलिस ने आज कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट वैसा वो दारू के नशे में है प्रोड्यूस नहीं किया, उसका मेडिकल हुआ है वैसा भी कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया, तो इसलिए प्राइमा फेसिया जो वो दारा है वो एप्लीकेबल नहीं है। जो ओपन में जो रकम रखी थी, जो पैसा रखे थे, उनको दिया जाएगा फिर? देखिए, तरीके से तो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसने हंडी फोड़ी है, हंडी फोड़ने के लिए 55,555 का इनाम रखा गया था, तो मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि आरोपी को वो 55,555 रुपये मिलने चाहिए। तो गलत तरीके से वो हंडी फोड़ी है, तो उसको कैसे मिलेगा? सर जी, उसने गलत तरीके से किया या नहीं किया, वैसा कोई ऑर्डर नहीं है, जिस हिसाब से धारा लगी हुई है 85(1)(a) उसमें लिखा हुआ है कि डिसऑर्डर बिहेवियर, ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं था जो उसने गलत काम किया हो, तो मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि उसको वो मिलना चाहिए। वो हकदार है, वो हकदार है, वो हकदार है, कानूनी हकदार है, 55,555 का कानूनी हकदार। वो बोलता है तो मतलब आप उसके कानूनी प्रोसेस आप करोगे? जरूर, वो अगर मेरे पास आएगा नोटिस भेजने के लिए तो हम जरूर आगे नोटिस भेजेंगे और अध्यक्ष से मांग करेंगे कि उनको 55,555 का जो नया नियम निकाला, मतलब 5% आरक्षण है और नौकरी में उसको प्रावधान दिया जाएगा, उसके लिए आप प्रयास करोगे? देखिए सर, उसके लिए सरकार जो निवेदन उसको देना है, और ज़रूर अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं ज़रूर वो निवेदन भी दूंगा उसके एंड से, उसका वकील बनकर।
उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।